करेंगे। माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह, माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह लोकसभा। नमस्कार सर। अच्छा, बहुत धन्यवाद आपको पुनः इस कुर्सी पर देख के। धन्यवाद, आप बोले। उम्मीद है कि मुझे 2 मिनट आप ज्यादा समय देंगे जितना निर्धारित है। समय के बारे में क्षमा करेंगे, जो तय हुआ है हाउस वही मैं पालन करूंगा। प्लीज, बिहार के हैं सर। प्लीज, हम लोग सर बचपन से सुना करते थे, हम लोगों के पुरखों ये कहानी सुनाया करते थे कि उत्तम खेती मध्यम बान, नीच चाकरी भीख निदान। लेकिन आज मोदी जी के राज में सीधा उल्टा हो गया, खेती सबसे नीचे चला गया, किसान सबसे नीचे चला गया, और उसी का नतीजा है जो इस तरह का कानून यहाँ ये सरकार ले आई है। जब शुरू में ओपनिंग स्टेटमेंट कृषि मंत्री जी का हो रहा था, उसमें उन्होंने जिक्र किया था मनमोहन सिंह जी का। यूपीए 1 में संयोग से मैं भी राज्य मंत्री था कृषि और खाद्य महकमे का, मेरे सहयोगी थे शरद पवार जी। उस समय की कुछ बात मैं याद कराना चाहता हूं आपको कि कांग्रेस पार्टी का जो पॉलिटिकल विजन था और जो पॉलिटिकल कमिटमेंट था वो किसानों के लिए है, और आपका जो पॉलिटिकल डिजाइन है वो हमेशा से किसान विरोधी रहा है। ये कोई आज नई बात नहीं है, ये देश अच्छी तरह से ये बात समझता है। मैं कहना चाहता हूं साफ तौर पर, पहली बार जब 2004 में मनमोहन सिंह जी की नेतृत्व वाली सरकार बनी, हम लोग मंत्रिमंडल के सदस्य थे, और बजट के पहले देश भर के किसान नेताओं को प्रधानमंत्री निवास में उन्होंने बुलाया था, उनकी कठिनाइयों को जानने का कोशिश किया। अखिलेश जी मास्क लगा ले, कृपया मास्क लगा ले। हम तो सर अपेक्षा कर रहे थे कि मेरे लिए आप बेमानी करिएगा, आप उधर से करने लगते हैं जो प्रावधान। प्लीज प्लीज सर, नीचे चला जाता है उसमें मेरा टाइम क्यों आप ले रहे हैं, थोड़ा सुनिए ना उन लोगों का शिकायत। जो प्रावधान है उसका सारे सदस्य पालन करें, ये अनुरोध है आपसे। उस समय सर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जाने के बाद मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उस समय न्यूनतम समर्थन मूल्य जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में था, धान का 550 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं का 610 रुपए प्रति क्विंटल, आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। और पहले बजट में मनमोहन सिंह जी ने फैसला किया, जो पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 10वीं 11वीं पंचवर्षीय योजना तक जो काम कभी नहीं किसी सरकार ने किया था, 10 रुपए और 20 रुपए 50 रुपए प्रति क्विंटल हर बजट में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम हुआ करता था, उसको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सीधे 550 रुपए प्रति क्विंटल से 1100 रुपए प्रति क्विंटल करने का काम किया था। और आजादी के बाद किसी सरकार ने वो काम नहीं किया। उसी तरह से धान और गन्ने का सभी का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम, दुगना करने का काम किया था। और केवल वही नहीं रुकी, आपको अच्छी तरह से इसमें कई सहयोगियों को साथियों को याद होगा कि उस समय 8% पर गाड़ी खरीदी जाती थी, ऋण मिलता था, ऋण की उपलब्धता बैंक से और बैंकिंग सिस्टम से मिलता था, और किसानों को उसके नीचे 10% उधर था और किसानों को 8% पर ऋण मिलता था। मनमोहन सिंह जी ने फैसला किया कि इस तरह की बेईमानी मेरे सरकार में, कांग्रेस के हुकूमत में नहीं चल सकती, कि जो अनाज खिलाने वाला देश भर 125 करोड़ को जो अन्न देने वाला किसान है उसको ऋण मिले 10% पर, और गाड़ी खरीदने वाले व्यवसायियों को ऋण मिले 8% पर। और उन्होंने फैसला किया कि वो जो 10% पर ऋण मिलता था उसको सीधे उन्होंने 8% से नीचे लाने का काम किया। ये मनमोहन सिंह जी की सरकार ने फैसला किया था। कृषि मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, 70,000 करोड़ की जो लोन माफी उन्होंने करने का काम किया था, देश भर में किसान जो आत्महत्या कर रहे थे वो उस सरकार का फैसला किया हुआ फैसला। और वहीं नहीं रुका, हम आपको बताना चाहते हैं, अभी रामचंद्र बाबू ने कहा कि 2006 में एनडीए सरकार जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 5 में बना था तो एपीएमसी एक्ट को समाप्त किया था, लेकिन 14 साल से एपीएमसी समाप्त करके जो वहां काम हुआ है उसका मतलब साफ है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य और जो उन्होंने 15 लाख टन खरीदगी की बात की, मैं उस समय मंत्री था और एफसीआई ने सीधे बिहार में पहली बार, और वही रिकॉर्ड है, 15 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदगी मेरे समय में हुआ था। और अब तो कई जो
भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। जो जिस तरह से बिस्कोमान और दूसरे माध्यम से जो खरीदगी होती है, और हम पूछना चाहते हैं कि आज भी 60 से 70 लाख मेट्रिक टन वहां धान का सरप्लस है बिहार में, तो खरीदगी केवल 15 लाख मेट्रिक टन कैसे होती है? ये भारत सरकार को और बिहार को जवाब देना चाहिए, क्यों नहीं 60 से 70 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदगी होती है, क्यों नहीं गेहूं की खरीदगी हो रही है? आपको शायद रामचंद्र बाबू मालूम नहीं होगा, आज भी मैं भी किसान परिवार से आता हूं, 1900 रुपए भारत सरकार ने तय किया है न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का, लेकिन बिहार में आज भी 1400-1500 मेट्रिक टन किसानों को मिल रहा है और बाकी पैसा बिचौलिए के पॉकेट में जा रहा है। कांग्रेस सरकार हमेशा किसानों के हितों की प्रतिबद्धता और उनका वकालत करती रही है, कभी भी राहुल गांधी जी उसके बाद जो भी चुनाव हुआ, प्लीज कृपया शांति रखें, कृपया शांति। रामचंद्र बाबू फंस जाइएगा, आपको अच्छी तरह मालूम है भभुआ के इलाके से, कैमूर के इलाके से हर साल धान और गेहूं आज भी हरियाणा और पंजाब के मंडी में आता है, क्योंकि वहां मंडी सिस्टम नहीं है और यहाँ के मंडी में जो ट्रेडर्स हैं, जो पैसा किसानों के पॉकेट में जाना चाहिए था वो ट्रेडर्स के पॉकेट में जा रहा है। माननीय अखिलेश जी, समय खत्म हो रहा है, माननीय अखिलेश जी समय खत्म हो रहा है। इसलिए बिहार सबसे ज्यादा बदहाली की स्थिति में है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। और हम ये भी कहना चाहते हैं, आप कहते हैं सरकार कहती है कि नहीं हम न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं करना चाहते हैं, हम मंडी खत्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ जहां मंडी में किसानों को टैक्स देना पड़ेगा, दूसरे तरफ बाहर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कंक्लूड करिए, टैक्स अगर वहां लगेगा तो स्वतः मंडी खत्म हो जाएगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना बंद हो जाएगा। धन्यवाद। आज किसान के किसान खुशहाल, धन्यवाद, आपका समय खत्म हो गया है, धन्यवाद कर रहे हैं, धन्यवाद। मैसेज फ्रॉम लोकसभा, धन्यवाद परिवार, मैसेज फ्रॉम लोकसभा 7000 सेक्रेटरी जनरल, आपका समय खत्म हो चुका, आप रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा। थैंक यू प्लीज, समय खत्म हो चुका है, बहुत पहले, रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है बातें आपकी। सेक्रेटरी जनरल, मैसेज फ्रॉम लोकसभा, सिर्फ वही रिकॉर्ड पे जाएगा। 2020 पास्ट द टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस बिल 2020 टू द कंपनी। कृपया आपकी बात पहले, समय खत्म हो चुका है, गुजारिश है चीफ में। टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस बिल 2020 इज अ मनी बिल विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई ले अ कॉपी ईच ऑफ द सेड बिल्स ऑन द टेबल। माननीय फॉर्मर माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच डी देवगौड़ा जी।